गई बेटा जल्दी अरे जइयो तेरी बीवी तुम तो आज दुनिया से और महना जिक्र मत करना मेरी बहन ठीक है। हाँ जो रही हूँ ठीक है रानी साहब, मैं किसी से कोई सी बात की कोई जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है बहन, ठीक है आप जाइए। उधर नायन और बंजा का गर्भ निहार कर और सतगुरजर से जाने लगी और रानी सुरजा के महलों में आ जाती है। अरे रानी साहब, अरे दासी, रानी मंजा के लिए स्नान कराया ही आप? हाँ मैं कराया ही। वो तो अच्छा हुआ। एक बार बता, कही तेरे चेहरे पे इतनी खुशी कैसे देख रही हूँ मैं? बहन खुशी की बात है। क्या बात है? सुनो बहन, अरे ले लो अरे ढोलकिया मेरी रानी विजयी अरे साल। अच्छा, अरे ले लो अरे ढोलकिया मेरी रानी विजयी अरे साल रखी आरे बीवी मंगला अरे के बालो मेरी बहना। जो आपकी बहन सतगुरजो पर काग उड़ा रही है रानी मंझा जी, वो इस समय गर्व से है। गर्व से? हाँ तू सही कह रही है। मैं सही कह रही हूँ। अरे बांधी, कही तो एक काम करो। क्या? हम तुम एक उपाय सोचो कि रानी मंझा और कोई संतान जलेगी, बेटा जलेगी, तो हमारे तुम्हारे पति उसी रानी की कदर ज्यादा करेंगे, हमारे तुम्हारे कोई ग्राहक नहीं बनेगा। अब एक काम करो रानी साहब, देखो हम तो महेश रानी और अगर कहूँ रानी बन जाने लल्ला जल लो या लल्ली जल लई तो हम तुम तो हो जाएंगे बांदी और वो हो जाएगी रानी। वो तो सौ रानियों के ऊपर रानी बन जाएगी। और शाम सवेरे हम तुम डारे करेंगे गोबर, अब वो तो बेड पे बैठ के बन जाएगी पटरानी। एक काम करो। हाँ मैं आपके लिए उपाय बता सकती हूँ। बताओ बहन, जो केकई के साथ में मंथुरा ने किया था वही बहन मैं आज तुम्हारे साथ में कर रही हूँ। बहन आप मेरे कहने से एक काम करिए। क्या? तुम दासी भेज दे ब्रह्मपुरी का। अच्छा, रानी तुम तो महलन में करवाओ जांच रामवा लाखापुर हत से। अरे बांदी, तूने सही कहा, पंडित जी के लिए पुरोहित के लिए गंगाधर पंडित जी के लिए ब्रह्मपुरी से बुलवाने चाहिए। हाँ। और सभी रानियों की दिल दिखवाने चाहिए। हाँ। तो एक काम करो, कही तुम्हारे साथ वो छोटी रानी है, वो तो इस समय डिसबैलेंस में चल रही है। हाँ। लेकिन आप ही इस काम के लिए कर सकती हो क्या? मैं कर सकती हूँ रानी साहब। सीधी चली जा ब्रह्मपुरी को और
पूरा है ते को लैया बोलवाए हाथ जोर प्यारे पैया पर मेरी बांदी पांडे ते को लाओ बोलवाए अरे बा ब्रह्मापुरी से ठीक है रानी साहब आप जाइए अबेर मत करो ठीक है मैं जाती हूँ बैठी ठीक है जाओ उधर उधर बहन उधर दासी रानी के महलों से और ब्रह्मपुरी के लिए जाने लगी अरे चलती जा रही बादी तई चलती गंगा जा अरे कौन है अरे कौन है मैं हूँ रानी साहब की दासी का चेतरा बब्बाई दादी है ए, दादी नहीं वो कौन है सही बता नौकरानी हूँ नौकर के अब मेरी समझ में आई है दसवो पंडित जी को करना आइए ए तुम्हें करूंगी वो ना करे ये कौन है सही सही बता भाई मैं हूँ बादी बादी हाँ ये तो को हटिए देख रहे हो बप्पा सफेद झूठ बोल रही है बहन जो खुली डोल रही है कह रही है मैं हूँ बांदी ए सही सही बता कौन है मैं हूँ रानी साहब की टहल करने वाली नौ कह कर मैं चुगल खोलनी हूँ उते की बात होता है उते की बात होता है बीच में लंबा बांधा न पर रहती है हाँ भाई तो ऐसो जो बता कैसी आई है मुझे पंडित जी महाराज से काम है पंडित जी ना है पंडित जी के बहन हो ये जी ए तो पंडित जी भाई तो पंडित जी भाई पंडित जी ना है पंडित जी के जो छोटे वाले लल्ला आए हैं तो पंडित जी भाई है भैया बंदे ना रहे पंडित कई पंडित है एक काम कर हाँ पंडित जी से हम आए हैं जो बता कैसी आई है रानी साहब ने आपके लिए महलों में याद किया अच्छा का घी पे अग्यारी पर है नहीं और अग्यारी पे घी पड़ेगा अच्छा अग्यारी पे घी पत्तो मैं सोच घी पे अग्यारी डालनी पड़ेगी अरे तो सही रहे रानी सुरजा ने बुलाई है एक काम कर कोई सवारी शिकारी ले आइए ना मैं ना ले आइए कच्ची ना ले आइए तो या चोकर पंडित जी भैया और दोस्त है पंडित जी को मोखो तो है ना खिचन को और जब सब पंडिताई करिए तब सब पंडित जी पैदा होना चाहता है आपकी घोड़ी थी वो काम और बिना सवारी के पंडित मूतन होना जाते हैं और घोड़ी की बात कर रही है घोड़ी की बात मत करे जब से पंडिताई करिए तब से हमने घोड़ी बेचे खाई सोच अरे जब से करी पंडिताई